अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी तो पता है क्या करना है, हमने तालीम के सिलसिले में हजारों बच्चों को पढ़ाया है, जो ये ड्रग्स और बाकी के नशे के जो माहौल के अंदर तिजोरी में लाख रुपया लाने को महापालिका के 10 कर्मचारी लगते हैं, पर करोड़ों पानी में यहाँ चला जाता है जिसका फैज आवाम को नहीं पहुँचता। वो टीचर को जब मैं अप्रूवल करके दिया, कहा संघर्ष संस्था में ज्वाइन हो, मैंने अभी तक उसको छेड़ा नहीं है। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ पूरी शिवसेना पार्टी का, मदद करके पहली उर्दू स्कूल उन्होंने दी। मेरी भाई साहब के साथ बहुत गुफ्तगु होती है। आपके सामने क्या, मैं आपको आदेश ही देता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, चाबुक लेके आप मेरे पीछे लग गए। बहुत बहुत मुबारक हो इस चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी जिम्मेदारान का, और भाटे साहब के साहबजादे हमारे नौजवान इमरान फकीर साहब का, जो उनको फेलिसिटेट किया गया है। बुमराह कौसा जैसे हलके के अंदर चंद अदारे ऐसे हैं जो हकीकत में फराई काम करते हैं, और पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का जो उनका वो छोटे से गार्डन के अंदर जो सहरी और उसका जो उनका एहतमाम होता है, मैं खुद पर्सनली उनके इंतज़ाम के अंदर विज़िट किया हूँ। ये अदारे जो काम कर रहे हैं, बेशक उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये हकीकत में खिदमत है विदाउट एनी टेकिंग क्रेडिट। क्योंकि खिदमत कम और फोटो और बोमा बोम ज़्यादा, वो आजकल का माहौल हो गया है, क्योंकि उसको सियासती रंग लग गया है। इन्होंने सियासत को दूर रख के फलाई काम, मुस्तहिक तक मदद पहुंचाना और सभी जिम्मेदारों को साथ में लेकर काम करना, हकीकत में एक पीस का माहौल पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मुमरा के चंद सालों में बढ़ रहा है। हर मौजू के ऊपर कैसा उनको सराहा जाए, कैसा उनको आवाम के सामने लाया जाए, उनको कैसा हौसला अफजाई करके आने वाले दिनों में उन्हें और जज्बात बढ़ा के उनको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी जाए, ये पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये छोटा सा हमारे लिए एक एग्जांपल है कि कोई पायलट बना है वो आगे बढ़े, उसके फेलिसिटेशन देख के उसको हिम्मत और उसको हौसला अफजाई देते हुए और चंद लोग उसके तरह अट्रैक्ट हो जाए और वो भी आगे बढ़े। क्योंकि जितनी तालीम जितनी तरक्की तो ऑटोमेटिकली कौम की तरक्की होती है, तो बेशक ये खिदमत खल्क है। उसी तरह से जिन्होंने जो एक अलग तरीके से अचीवमेंट की हुई है, तो वो अचीवमेंट अली फ़क्र की बात है कि एक मोमिन एक खेड़ में जैसे मुमका में रहता है, रेगिस्तान में काम करता है, रेत है जहाँ पहाड़ नहीं, और पहाड़ पर चोटी करने का चोटी पर चढ़ने का काम करता है। तो हालात को उन्होंने फेस करते करते अपनी चाहत और अपने अचीवमेंट और ज़िंदगी में कुछ अलग करना है अदर देन योर डे टू डे लाइफ, उसके अंदर उन्होंने जो फकीर साहब ने किया तो ये भी एक इंस्पिरेशन है। ये सब एक्टिविटीज़ को सराहना बोले तो हमारे नौजवान बच्चों को सही रास्ते पे रखना, ईमान नमाज दीन के साथ साथ कोई गलत चीज़ों में उनको शौक ना जाए, ये सब इंस्पिरेशन उनमें आए आगे बढ़ने का, पायलट बनने का, CA बनने का, कामयाब होने का, कुछ अलग सोशल अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का, ये सब चीज़ हौसला अफजाई के साथ साथ वो एक मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि खालिद भाई ने आपको वही कहा कि आप मीडिया मौजूद है, आप सियासत कवर करते हैं, ज़रा इस चीज़ को भी आप कवर कीजिए। तो पीस की तरफ से खालिद भाई ने भी वो आपको एक मैसेज दिया कि हमारी जो कोशिश है वो कोशिश सराहने की है, वो नौजवान और मुस्तकबिल को बदलने की है। तो मैं बेशक इस सोच के लिए, इस काम के लिए गर्दी साहब को, जोगले साहब को, राउत साहब को, स्पेशली मौलाना साहब, सभी जितने जिम्मेदारान इसके अंदर है, उनके सर्वसा भाई साहब जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, राजू भाई यहाँ मदद करते, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस अदारे को आगे बढ़ना, क्योंकि हकीकत में इंसान आज है कल नहीं है, अदारा ताकतवर बनाए तो आखिरत तक रहता है, यही सोच को लेकर हमको आगे तब्दीली लाना है और ये सोच बदलना है। हमने IAS बनाने को भी मदद की हुई है, आज है हमने तालीम के सिलसिले में हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है। ये कामों को
मीडिया सोशल मीडिया से ज़्यादा अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, उनको हमने जो मदद करेंगे वो मदद के ज़रिए चार लड़के कितना आगे जाते, उस चीज़ में खुशी है। क्योंकि हम कौम के काम करने वाले हैं, हम कौम के नुमाइंदे हैं, हम कौम के खिदमतगार हैं, ना कि दो मदद करके अक्खा सोशल मीडिया पे बोबा बोम करें। ये तो बंद मुट्ठी का काम है। हमको तो दीन ने यही सिखाया है कि नेकी कर दरिया में डाल, बंद मुट्ठी से काम कर। तो बेशक मैं तो उनको कहूँगा कि पीस चैरिटेबल के ज़रिए ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ रहेगा, छोटे कैंप्स रहेंगे। मैं तो चाहूँगा कि वो थोड़े से स्कूल्स और मुमरा और इधर के स्कूल्स में करे, और उनको थोड़े से छोटे पहाड़ों पे हाइकिंग पे लेकर जाए, जिससे उनकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ती है, तंदुरुस्त रहेंगे। और जब इंसान बॉडी से तंदुरुस्त रहता है, जहन से तंदुरुस्त रहता है, तो अच्छे रहता है, गलत कामों से वो दूर रहता है। और आज जो ये ड्रग्स और बाकी के नशे के जो माहौल के अंदर हमको बच्चों को वो घर से मोबाइल से निकाल के ऐसी एक्टिविटीज़ में जाना है, तो मैं आज दावत दूंगा इमरान भाई को कि बेशक आप बढ़ चढ़ के आते, तो पहले तो हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बच्चों का एक हाइकिंग कैंप बना दें, ट्रेनिंग करना है तो लेके जाइए, कुछ एक्टिविटीज़ रहेगी, उसका स्पॉन्सरशिप पूरी तरह पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की जरिए से करेगा, जो भाई साहब बोलेंगे वो सर आपको। नजीब भाई, आपने स्कूल की बात कही है, तो जो उर्दू स्कूल है, काफ़ी उर्दू पे आप लोग भी बात करते हैं, लेकिन उस उर्दू स्कूल का जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप दौरा भी करने वाले थे, लेकिन कुछ वजह हुई, शायद देर हो गया था, नहीं गए वहाँ पर। तो उसका काम, जैसे ब्लैक बोर्ड वगैरह सब टूटा है, हो रहा है काम, फिर रुक जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, पहली बात तो जब रेडियंट के स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए जब मैं मुमरा में आया, तो मुझे बहुत अफसोस है हर चीज़ का। मैं आपके सामने बार बार दोहराता हूँ, और गुफ्तगु मेरी जब भाई साहब से, हमारे लीडर से कभी भी होते रहती है, तो हमारी शिकायतें वही रहती है कि पैसा सही जगह पे लगना चाहिए। तिजोरी में लाख रुपया लाने को महापालिका के 10 कर्मचारी लगते हैं, मगर करोड़ों पानी में यहाँ चला जाता है, जिसका फैज़ आवाम को नहीं पहुँचता। तो मैंने उसी दिन रेडियंट के इसमें देखा था, स्कूल की खस्ती हालत देखे, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि 2014-15 या 2016 में बनी हुई स्कूल की जो हालत देखा बिल्डिंग की, और मेरे इधर 83 में इनॉग्रेट हुई है, जब सुशील कुमार शिंदे यूडी मिनिस्टर थे और पवार साहब सीएम थे, या सीएम नहीं थे, यूडी मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे थे, उनका बोर्ड लगा। आके स्कूल देखिए, अंदर के क्लासरूम देखिए, बोर्ड देखिए, ये हमारे नुमाइंदों की जिम्मेदारी रहती है। मैं जानता हूँ कि नुमाइंदों के हाथ बंधे हुए थे इतने साल से, अभी खुले हैं, कुछ आज़ादी नहीं थी, बट बेसिकली स्कूल के ऊपर तवज्जा दी गई है। और मेरे पास तो इनका ऑफिशियल लेटर है, इन्होंने खुद लेटर निधि मांगा है, केनी साहब का है, और मैंने खुद उसके ऊपर लेटर दे के दिया हूँ कि आने वाले दिनों में शासन से स्पेशल फंड आएगा, जो टोटल स्कूल को मुकम्मल होगा। और मैं इतना यकीन दिलाता हूँ कि तालीम हमारा पहला पायदान है। 35 साल के अंदर 2002 में मुस्लिम नुमाइंदगी सही तरीके से मुझे चुनी गई राबोड़ी से, पहला, आज तक उसके पहले सातवीं तक स्कूल था कलवा मुमरा के अंदर, मुस्लिम उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा था, बट सातवीं तक स्कूल था। दसवीं कब हुआ? राबोड़ी के बाद। तो ये नुमाइंदों की सोच होती है कि मेरा मुस्तकबिल आज तुम लोगों के साथ फोटो निकाल के, एक को मदद किया पैसे की तो वो पहुँचाना नहीं है, मेरा फैज, मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं आखिरत को जवाब देने वाला बनता हूँ। फैज़ बनता है कि तालीम के अंदर 100% काम के हिसाब, वो काम का फ़ोटो नहीं है, बट लड़ झड़ के, मदद मांग के, सभी मदद के, उस वक्त मैं तो शुक्रगुजार हूँ पूरी शिवसेना पार्टी का, मदद करके पहली उर्दू स्कूल उन्होंने दी, और उसके बाद में हमें ताबड़तोड़ 2009 के बाद में उसको जब सक्सीड हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, राबोड़ी के बाद में फिर हमने मुमरा में लाए। तो तालीम की तब्दीली, तालीम से दूर नहीं थे हम, आपके हल्के से दूर थे, तालीम से तो कौम हमारा फ़र्ज है, और तालीम में बहुत तब्दीली आएगी स्कूलों में। अभी अभी आखिरी सवाल है, भाई साहब का कहना था मेरे इंटरव्यू में, भाई साहब ने कहा था कि मैं काम करने जा रहा था 13 नंबर उर्दू स्कूल का, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, अभी वो आपके साथ में है, जुड़े हुए हैं। आपको क्या कहा? आपके साथ आपको रोक के कहता हूं, नहीं भाई साहब, आपके सामने क्या कहा? स्कूल के मामले में होना जरूरी है, स्कूल का ब्लैक बोर्ड होता है, आपको मैं भाई साहब मैं जवाब दे देता हूं, भाई साहब स्कूल के मामले में किसी के साथ भी जाया जा सकता है, स्कूल कब्रिस्तान कोई भी हो, कब्रिस्तान हो, ये सब है, पॉलिटिक्स की बात नहीं करना यहां पे, वोट जिसको देना है, सुने मेरी बात, इन्होंने जो कहा, एक मिनट, मैंने भाई साहब का क्या, आपको अल्फाज फिर से दोहराता हूं, एक सेकंड, पहले आपको मैंने कहा, मेरी भाई साहब के साथ बहुत गुफ्तगू होती है,
हमारे नुमाइंदों के यहाँ हाथ बंधे हुए थे, उनको ज़बरदस्ती बांधा गया था, उनके हाथ खुले हैं। पहले कहा ना मैंने, भी हालत में हमारे उर्दू स्कूल मुमरा के अंदर जितने भी बोर्ड बार्ड है वो आप ठीक करो, ये मैं आपको आदेश ही देता हूँ, ऑर्डर करता हूँ कि आप जो है बोर्ड बार्ड है वो जो रोड में लगे बोर्ड बार्ड है वो भी निकाल देना भाई साहब, नए बोर्ड बेवजह लगे हुए, नए बोर्ड लग जाएंगे सर, हो गया लगा दिया सर। बात उठी तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं तवज्जो डालना चाहता हूँ, पिछले 8 साल इनका हो जान दो ना, मेरे अंदर टीचर्स ही बहुत ज्यादा कमी है, बोर्ड तो एक मिनट ये मसला है, सुनो मसला नहीं, एक मिनट सुनो, 80 टीचर एक दिन में अप्रूवल कौन दिया, खुद फाइल मूव करके दिया, वो टीचर को जब मैं अप्रूवल करके दिया कहा संघर्ष संस्थे में ज्वाइन हो, मैंने अभी तक उसको छेड़ा नहीं है, टीचर्स के अप्रूवल दिया, उसका रिव्यू लगा दिया है, उसका वाइट पेपर इंशाल्लाह 6 या 7 तारीख को आएगा, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी सब्जेक्ट वाइज, उसके ऊपर तुम्हारा फिर पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर होता है भाई अभी 200 का दो का, हाँ वो करके उसकी संख्या के हिसाब से, और उसके लिए जो न्यू टीचर्स अपॉइंटमेंट है जो उनके क्वालिफिकेशन है, जब भी मन मानी मेरे को इसको खुश करना है भर, हम बोलते तालीम में वसीले बाजी है, तालीम में काबिलियत, तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारा सिखाने का तरीका, क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल खराब करता है, वह क्वालिटी खराब करता है। मैंने चाहता हूँ 7वीं में पढ़ने के बाद में ढकलो आ गया और उसको नाम लिखना नहीं आया तो 10वीं पास कहाँ से होगा, हमको ड्रॉप आउट, क्योंकि वो खिदमत है, सोशल मीडिया का काम नहीं है, 10,000 दे के 1,00,000 रुपये का हम मार्केटिंग करने का वो नहीं करने, 100% मैं क्या कहा, ये चाबुक लेके आप मेरे पीछे लग गए ले, राजन सिंह के पीछे लग गए ले, क्योंकि अभी मैं क्या कहा, हर एक को आज़ादी मिल चुकी, मैं क्या कहा, हाथ बंधे हुए गए, हमारी खामी हमारी गलतियों की वजह से, हमने एक सराहने की वजह से आज हमको एहसास हुआ कि आवाम का नुकसान हुआ, तो तब्दीली लानी है।